और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है क्लोज टेस्ट का, ये सेकंड वीडियो है क्लोज टेस्ट की सीरीज में। इसके पहले मैं आपको दो वीडियोस आपको पैरा जंबल के दे चुका हूँ ऑलरेडी, और ये सेकंड वीडियो है आपका क्लोज टेस्ट वाली सीरीज में। तो पैरा जंबल में आज आपको थर्ड वीडियो मिल जाएगा और क्लोज टेस्ट में आज आपको सेकेंड वीडियो आपको मिल रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने अपने जो भी विचार हो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर एक्सप्रेस कीजिएगा। सो वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूं मैं अमन त्रिवेदी, एंड आई हैव बीन ऑडिटर इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यहां पर आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है तो उसके लिए फेसबुक पे सर्च कीजिए @त्रिवेदीअमन25 ऑन फेसबुक। उससे आपको मेरा फेसबुक पेज मिल जाएगा जहां पर मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और भी बहुत सारी चीजें वहां शेयर करता रहता हूं। तो फेसबुक पेज अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर से लाइक कर लीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं इस वीडियो की पीडीएफ देता हूं। कोई भी वीडियो की पीडीएफ है या जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, मैं टेलीग्राम पर ही शेयर करता हूं, इसलिए टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। और इसके अलावा डेली असाइनमेंट जो है आपका, वो भी amantrivedi.com से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर मैं डेली 30 क्वेश्चंस का असाइनमेंट देता हूं। इस असाइनमेंट के लिंक को मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। तो अगर आप असाइनमेंट प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप amantrivedi.com से असाइनमेंट की प्रैक्टिस कर सकते हो, जहां पर 30 क्वेश्चन जो कि एकदम नए होते हैं उन क्वेश्चंस को मैं देता हूं। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं आपको कि क्यों मैंने आपके ये तीन टॉपिक्स चुने हैं, क्यों इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो आज का ये जो वीडियो है हमारा क्लोज टेस्ट का होगा और पैरा जंबल के दो वीडियो आज आपको मिलेंगे। इसके अलावा मंडे से जो आपकी सीरीज शुरू होगी वो मैं एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चूंकि आप में से कई लोगों ने पिछले वीडियो में मुझसे कहा था कि वो लोग चाहते हैं कि 2017 का जो आपका, आप सभी चाहते थे कि 2017 में जो क्लोज टेस्ट आए हैं मैं उनका डिस्कशन करूं, इसलिए आज के वीडियो में मैं जो डिस्कशन करने वाला हूं वो 2017 के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस का करने वाला हूं। इसके अलावा मैंने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन में मैंने पूछा था, मैं आपको वो लिख के एक बार फिर से दिखा देता हूं। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि he is only one of the students students who is hardworking। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आप में से कई लोगों ने कहा एरर है, कई ने कहा नहीं एरर है, तो मैं आप में से बताता हूं किसने सही आंसर दिया था। तो कई लोगों ने आंसर सही दिया है, सबसे पहले सही आंसर दिया था आप में से अर्पन हाल्डर ने सबसे पहले सही आंसर दिया था। उसके बाद में कई लोगों ने आंसर दिया, लाइक अंकित चंद्रवंशी या संचित राजपूत, कई लोगों ने जवाब दिया, योगेश सिंह, कई लोगों ने सही जवाब दिया है। सही आंसर है, देखिए ये सही है, हालांकि नियम ये कहता है कि अगर आपका रिलेटिव प्रोनाउन हु का इस्तेमाल हो रहा है तो इसके पहले जो भी एंटीसीडेंट आता है, अगर ये सिंगुलर है तो इसके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी हमारी सिंगुलर रहेगी, और अगर ये आपका प्लूरल है तो इसके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी आपकी प्लूरल रहेगी। ये हमारा नियम कहता है अगर हु का इस्तेमाल हुआ है तो। लेकिन यहां पर एक ऐसा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है, चूंकि यहां पर ओनली का इस्तेमाल हुआ है, और अगर सेंटेंस में ओनली का इस्तेमाल होता है तब आप फिर वहां पर हु का एंटीसीडेंट नहीं देखते, तब आप यहां पर इसको सही इस्तेमाल करते हैं। ये सही लिखा है, ही इज ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु इज हार्ड वर्किंग। और मैं आपको आज का क्वेश्चन देता हूं, आज का क्वेश्चन है आपका, टुडेज क्वेश्चन इज none of them were awarded by the jury। आपका क्वेश्चन आज का है, none of them
वर अवॉर्डेड बाय द जूरी। अब आपको इसमें एरर बतानी है, व्हाट इज द एरर इन द इस क्वेश्चन में क्या है, आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा जरूर अगले वीडियो में, आज के वीडियो में नहीं, आज का जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें नहीं, लेकिन अगले यानी कि जो मंडे को आपको वीडियो मिलेगा उस वीडियो में मैं इसका आंसर डिस्कस करूंगा और आप में से जिन लोगों ने सही जवाब दिया होगा उनका नाम मैं आपका बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि कितने लोगों ने इसका जवाब सही दिया। नन ऑफ देम वर अवॉर्डेड बाय द जूरी, इस क्वेश्चन में एरर बताइए क्या है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा मेरे दो बैचेस नए शुरू हो रहे हैं, आप में से कुछ लोग एसएससी ट्यूब को जानते होंगे, तो एसएससी ट्यूब की जो टीम है वो अब अनअकैडमी पर आपको मिलेगी। तो अनअकैडमी पर आप एसएससी ट्यूब की टीम के साथ में कंप्लीट एसएससी सीजीएल प्री एंड मेंस 2019 की तैयारी कर सकते हैं। इस जो बैच है इसमें मैं रीजनिंग कवर कर रहा हूँ, रीजनिंग विल बी कवर्ड बाई मी, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। रीजनिंग की जो मेरी क्लास का समय है वो है सुबह 9 से 10:30 बजे तक, तो आप 9:30 से 10:30 बजे तक 9:30 to 10:30 तक है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा 7 सितंबर से मेरा एक और कोर्स शुरू हो रहा है जो कि है इंग्लिश का फॉर एसएससी सीजीएल 2019, तो अगर आप कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, और अगर आप रीजनिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, और बाकी के टीचर्स इसमें बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा ये हमारा सीजीएल 2019 का एक एक्सटेंसिव बैच ऑलरेडी चल रहा है जो 16 अगस्त को शुरू हुआ था और 31 दिसंबर को खत्म होगा, तो इसमें भी जल्दी से एनरोल कर लीजिए। और अब आपके पास अनलॉक ट्रायल अनलॉक करने का भी ऑप्शन है, तो अपना ट्रायल अनलॉक कर लीजिए और उसके बाद जब अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए तो आप अनअकैडमी प्लस पे जब अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए 12 मंथ का ऑप्शन चूज करिए, ये 5000 का है, कंटिन्यू करिए, उसके बाद आपको मेरा रेफरल कोड मिलेगा जो कि अमन त्रिवेदी, आप यहाँ पर डाल सकते हैं रेफरल कोड डालने के ऑप्शन में, अप्लाई करेंगे आपके पास कुछ क्रेडिट्स होंगे इन्हें भी अप्लाई करेंगे तो 10% डिस्काउंट आपको यहाँ से मिलेगा और 10% डिस्काउंट आपको यहाँ से मिलता है, टोटल आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाता है, जिसके बाद आपकी ये जो कॉस्ट 5000 दिख रही है 5000 ना होके 4000 के आसपास आपकी कॉस्ट रह जाती है और आप सभी कोर्सेज को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी टीचर्स अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं सभी की क्लासेस आप देख सकते हैं वंस यू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप ले लीजिए। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सीजीएल 2017 का टीयर 2 का पेपर का क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो वो क्लोज टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि सीजीएल 2017 के टीयर 2 में पूछा गया था। तो ये है आपका क्लोज टेस्ट, एक बार ही आप वीडियो को पॉज करके इसको पूरा पढ़ लीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आपको देखिए क्लोज टेस्ट जब भी देखना है तो सबसे पहला काम करना है कि उसको अच्छे से पूरी तरीके से पढ़ लीजिए, जिससे आपको ये पता चल सके कि क्या आपको उस पैसेज में करना है, कैसे करना है, क्या अटेम्प्ट करना है, इन सभी चीज़ों का अंदाजा आपको तभी लग सकता है। तो एक बार ही पहले पैसेज को पढ़ लो। The entry of foreign media has to be dashed by strict rules. Any intention to the country politically or economically or any attempt at cultural in order to make the country a slave to the design of the international powers would not be dashed. If the foreign media is keen on making a presence on the Indian soil, respect for the country's unity and dash is essential. तो आसान सा पैसेज है आपका इस क्वेश्चन को, अगर आप इस पैसेज को देखो कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है। इतना समझ में आ गया मुझे कि जो पैसेज का जो ऑथर है वो फॉरेन मीडिया के अगेंस्ट है, वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, वो उसके अगेंस्ट बात कर रहा है और वो कह रहा है कि अगर उसे इस देश में सर्वाइव करना है तो उसे इस देश की वैल्यू करनी होगी, रेस्पेक्ट करनी होगी, अदरवाइज वो हमारे देश की जो भी हमारे देश की छवि है वो खराब हो कर रही है। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है द एंट्री ऑफ फॉरेन मीडिया has to be dashed by strict rules, यानी कि उसे रोका जाना चाहिए by strict rules। तो देखो आपके ऑप्शन देखिए, rejected लिखा है, rejected का मतलब हो जाता है किसी चीज को reject कर देना, discard कर देना किसी चीज को। आपने जैसे मैंने आपसे कहा, आपने फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा प्लीज शेयर दिस वीडियो, आपने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, आपने इसे शेयर नहीं किया, तो ये क्या होता है रिजेक्शन। या आपने किसी लड़की को प्रपोज किया और उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, मतलब मना कर दिया। अगला होता है डिजेक्टेड, डिजेक्टेड मतलब होता है आपका रेज्ड अभागा, तो डिजेक्टेड मतलब हो गया ऐसा व्यक्ति जो काफी होपलेस है, काफी निराश है और काफी परेशान व्यक्ति के लिए आता है, तो डिजेक्टेड भी यहां पर आंसर हमारा नहीं हो सकता है क्योंकि डिजेक्टेड का मतलब हो जाता है अनहैप्पी एंड डिसअपॉइंटेड।
तो इसके होने का भी कोई पॉइंट नहीं आ रहा है यहाँ पर कि इसको आप कहना चाह रहे हो कि उसे कंट्रोल किया जाना चाहिए विद स्ट्रिक्ट रूल्स, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर ऐसा आएगा जिसका मीनिंग हो रहा हो कंट्रोल किया जाना विद स्ट्रिक्ट रूल्स। आगे कहता है रिटेन, तो रिटेन का मतलब होता है बचा के रखना, किसी चीज को रिटेन करके रखना, जैसे कि यू नीड टू रिटेन योर पोजीशन, आपको अपना स्टैंड, आपको अपनी पोजीशन बना कर रखनी पड़ेगी, तो रिटेन भी आंसर नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, गवर्नड विल बी द राइट आंसर, क्योंकि गवर्नड का मतलब होता है कि आप उसको रेगुलेट करो, आप उसको कंट्रोल करो। तो यहां पर वही आंसर होगा कि आपका द एंट्री ऑफ फॉरेन मीडिया हैज टू बी गवर्नड बाई स्ट्रिक्ट रूल्स, ठीक है। इसलिए आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आपने एक छोटी सी अप्रोच देखी, हो सकता है ये पैसेज बहुत आसान हो, 2017 का ही पैसेज हो दोस्तों। अब मैं टफ क्वेश्चन अगर अगला कराऊंगा तो मैं आपको सीडीएस का पैसेज करवा दूंगा, जो कि आपको शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, क्योंकि एक तो पहली चीज तो पता है क्या है, हमेशा एग्जाम में यही चीज देखोगे तो थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी, जब बाहर आके आप उसी चीज को देखते तो वो आपको ईजी लगता है, इसलिए ये पैसेज थोड़ा और आसान लग रहा है। अगले वीडियो में मैं आपको सीडीएस का एक क्वेश्चन पेपर करवा दूंगा, ठीक है, सीडीएस का क्लोज टेस्ट करवा दूंगा, तो वो आपके थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। तो ओवरऑल आपको एक पॉइंट ये समझ में आया, अप्रोच ये समझ में आई कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। अगर हमने तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो चौथा हमारा अपने आप आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कहता है एनी इंटेंशन टू डैश द कंट्री पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली और एनी अटेम्प्ट एट कल्चरल इन ऑर्डर टू मेक द कंट्री अ स्लेव। जब वो बात कर रहा है अ स्लेव की, इसका मतलब है कि वो ये कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसा इंटेंशन है जिससे कि देश को प्रॉब्लम हो सकती है, देश की के लिए वो फायदेमंद नहीं है, कुल मिला के ऐसी बात वो कह रहा है। तो अब आपके ऑप्शन आते हैं ग्रैपल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रैपल, ग्रैपल, ग्रैपल का मतलब होता है ग्रैपलिंग, द साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू दे आर ग्रैपलिंग इन द डार्क, ग्रैपलिंग इन द डार्क का मतलब क्या हो जाता है, ग्रैपलिंग इन द डार्क, ग्रैपलिंग इन द डार्क, ग्रैपलिंग इन द डार्क का मतलब हो गया कि अंधेरे में हाथ पांव मारना, तो ग्रैपल का मतलब क्या हो जाता है, हाथ पैर मारना, तो ग्रैपल आंसर नहीं हो सकता है। अगला ऑप्शन पूछ रहा है आपसे स्क्रपल, ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रपल, देखिए अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है और अगर आप इसको इस सेक्शन में अच्छा करना चाहते हैं फिर तो काफी दिक्कत होगी, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब स्क्रपल का मतलब क्या होता है आपका, टू बी विलिंग टू डू समथिंग इवन इफ इट माइट बी रॉन्ग और इमोरल, तो स्क्रपल का मतलब हो गया कुछ ऐसा करना जो कि मे बी आपका इमोरल हो, अ फीलिंग दैट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट यू थिंक मे बी मॉरली रॉन्ग, यानी कि कुछ मॉरली रॉन्ग कंडक्ट करना, ठीक है, टू डू समथिंग मॉरली रॉन्ग। तो स्क्रपल का भी कोई सेंस नहीं बन रहा है यहां पर, इसे हम डिलीट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारा बोलता है स्ट्रिपल करना, स्ट्रिपल करने का मतलब क्या होता है, स्ट्रिपल करने का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिपल, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिपल, स्ट्रिपल एक्चुअली देयर इज नो वर्ड लाइक स्ट्रिपल, इट शुड बी स्टिपल, स्ट्रिपल तो गलत हो जाएगा, स्ट्रिप करने का मतलब होता है आपको कपड़े उतारना, एक स्ट्रिप आता है वो, लेकिन यहां पर आ रहा है आपका स्ट्रिपल। अगर ये मान लीजिए स्टिप आता है स्टिपल, तो स्टिपल का मतलब आपको पता है टू पॉइंट और ड्रॉ समथिंग यूजली स्मॉल डॉट्स और मार्क्स, यानी कि आपके मार्क्स ड्रॉट करना, स्टिपल करना, उसे कहते हैं स्टिपलिंग, तो आप ये भी डिलीट कर सकते हो। ऑप्शन आपका बचा क्रिपल करना, क्रिपल करना या फिर मेम करना मतलब हो जाता है, मैं अपनी क्लासेस में बताता हूँ, क्रिपल और मेम का मतलब हो जाता है किसी को पंगु बना देना, किसी को अपाहिज बना देना। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका क्रिपल, कि अगर कोई ऐसा अटेम्प्ट है जिससे आप देश को क्रिपल करना चाहते हैं, उसे पंगु बनाना चाहते हैं, उसे अपाहिज बनाना चाहते हैं, उसको पॉलिटिकली अनरेस्ट लाना चाहते हैं, या फिर इकोनॉमिकली आप उसे डिसबैलेंस करना चाहते हैं, तो इसे आपको एनी ऑर्डर, एनी अटेम्प्ट एट कल्चरल, अब कल्चरल वाले में देखो आपको ऑप्शन अगर भरना है और आपने आगे तक की लाइन पढ़ रखी है तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर भी क्या आएगा कि कल्चरली जो वर्ड हार्म करने वाला होगा वही आएगा। तो आंसर पहले इसका हो गया क्रिपल करना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कहता है एट कल्चरल डैश इन ऑर्डर टू मेक द कंट्री अ स्लेव टू द डिजाइंस ऑफ इंटरनेशनल पावर्स वुड नॉट बी डैश। एक बारी इसको जरा छोड़ते हैं, वुड नॉट बी वाला करते हैं, क्योंकि वुड नॉट बी वाला आपको समझ में आ रहा होगा कि वुड नॉट बी व्हाट,
वुड नॉट बी ऐसा ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि अगर कोई ऐसी कोशिश हो रही है जिससे देश को पुनः फिर से किसी का ऊपर निर्भर बना दिया जाए या किसी का स्लेव यानी कि दास बना दिया जाए, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वुड नॉट बी के बाद में क्या आ जाएगा, वुड नॉट बी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ऑप्शन सिंपल सा है, क्या हो जाएगा, वुड नॉट बी टॉलरेटेड विल बी राइट आंसर, क्या हो जाएगा, वुड नॉट बी टॉलरेटेड। मैं आपको बाकी के ऑप्शंस बता देता हूं। पहला है आपका अबेट, अबेट का मतलब होता है किसी चीज को लेस स्ट्रांग बनाना, ठीक है, किसी चीज को लेस स्ट्रांग बनाना, मतलब किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करना, और इसी से मिलता जुलता वर्ड होता है अबेट। अबेट का मतलब हो जाता है किसी की चीज की इंटेंसिटी, किसी गलत काम के लिए किसी को प्रोवोक करना, प्रोवोक फॉर सम रॉन्ग डूइंग, किसी को गलत काम के लिए प्रोवोक करना, प्रोवोक फॉर सम रॉन्ग डूइंग, किसी गलत काम के लिए किसी को प्रोवोक करने के लिए आता है अबेट करना। अगला है कॉन्फिस्केट करना, कॉन्फिस्केट करने का मतलब होता है अपने संरक्षण में लेना, जमा कर लेना, किसी चीज को जब्त कर लेना, किस लिए, आपने उसको ऑफिशियली क्योंकि आपने कुछ गलत पाया इसलिए आप उसको जमा कर ले रहे हो, कन्फिस्केट कर ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड कन्फिस्केटेड। एसिमिलेट करना मतलब होता है समाहित कर लेना, ठीक है। तो ऑप्शन आंसर क्या आएगा आपका, टॉलरेटेड, वुड नॉट बी टॉलरेटेड, उसे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब आपसे कह रहा है कल्चरल डैश, पहला ऑप्शन क्या लिखा है, एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म मतलब क्या, एब्सेंट होने के लिए जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गई वो एब्सेंटिज्म हो गई, तो कल्चरल एब्सेंटिज्म गलत हो जाएगा, एब्सेंटिज्म नहीं आएगा। क्लोनिज्म, क्लोनिज्म नहीं, एक्चुअली मैं शायद ऑथर लिखना चाह रहा था कॉलोनियलिज्म, तो कॉलोनियलिज्म तो लिखा नहीं है, स्पेलिंग गलत है, तो क्लोनिज्म तो नहीं हो सकता, क्लोनिज्म मतलब क्लोन बनाना नहीं हो सकता है। डॉगमेटिज्म मतलब क्या होता है, डॉगमेटिज्म क्या है, डॉगमा, डॉगमा मतलब हो गया प्रिंसिपल। अब डॉगमेटिज्म क्या हो जाता है, डॉगमेटिज्म में आपका एक तरीके का बिहेवियर है और एटीट्यूड है दैट आर डॉगमेटिक। डॉगमेटिक अप्रोच क्या होती है, जैसे कि आपने अपने बिलीफ को सही मान रखा है और आप नहीं सुनना चाहते दूसरे के बिलीफ, दूसरे के आर्ग्यूमेंट, दूसरे का व्यू पॉइंट आप नहीं जानना चाहते हैं, तो उसे हम कहते हैं डॉगमेटिक। तो डॉगमेटिज्म का मतलब हो गया बिहेवियर दैट you think your beliefs are your opinions and beliefs are correct, तो वो हो गया dogmatic approach की, मतलब जो मैं कह रहा हूं वही सही है, जो मैं करता हूं वो सही है। अब कह रहा है कि economically या country देश को harm करना और any attempt जो कि culturally देश को harm करे, तो cultural answer आएगा cultural imperialism। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है किसी दूसरे के देश के द्वारा कंट्रोल किया जाना, जैसे कि भारत क्या था, पहले आपके ब्रिटिश का कॉलोनी था, तो भारत में क्या था, इंपीरियलिज्म था, यानी कि ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे कि यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, उन सभी चीजों को ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे, इसलिए आंसर आपका इंपीरियलिज्म होगा। कि कोई अगर ऐसी कोशिश कर रहा है जिससे कल्चरल इंपीरियलिज्म देश में लाना चाह रहा है तो उसे तुरंत रोका जाना चाहिए और इस तरीके के अटेम्प्ट को टॉलरेट भी नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है इफ द फॉरेन मीडिया इज कीन, यानी कि उत्सुक है इस बात को लेकर कि मेकिंग अ प्रेजेंस ऑन द इंडियन सॉइल, वो अपनी प्रेजेंस इंडियन सॉइल पे बनाना चाहता है तो, और रिस्पेक्ट फॉर द कंट्रीज यूनिटी, तो उसे करना पड़ेगा क्या कि देश की यूनिटी का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। यूनिटी एंड वॉट, तो यूनिटी एंड वॉट एवर इज द आंसर दैट इज वेरी, मतलब ये क्या है आपका एक बहुत ही फेमस हो गया, आप क्या बोलते हैं, इंडिया इज नोन फॉर यूनिटी एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। अब ऑप्शन देखो, यूनिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, यूनिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी एंड वल्नरेबिलिटी, या फिर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, तो ऑब्वियसली देश की संप्रभुता का ख्याल रखना होगा, तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रिटी इज द राइट आंसर, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा, इंटीग्रिटी इज द राइट आंसर। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है किसी के लिए जवाबदेह होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हो गया जिम्मेदारी होना, वल्नरेबिलिटी मतलब हो गया जो कि वल्नरेबल है, जिससे किसी को हार्म पहुंचाया जा सके, क्षति पहुंचाई जा सके, चोट पहुंचाई जा सके, उसे कहते हैं वल्नरेबिलिटी। बाकी के आंसर नहीं होंगे क्योंकि हम कहना चाहते हैं कि उसे देश की यूनिटी और संप्रभुता का ख्याल रखना होगा, इंटीग्रिटी का ख्याल रखना होगा, ये हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आप लोग जवाब जरूर से देंगे। क्वेश्चन मैंने लिखा है नन ऑफ देम वर अवॉर्डेड बाय द जूरी,
None of them were awarded by the jury. ये आपको मैंने क्वेश्चन लिखा है, आप इसका जवाब दीजिएगा. अगला तो बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में. आज के ही तारीख में मैं आपको दूसरा वीडियो जरूर से प्रोवाइड करूंगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे पैराजंबल के क्वेश्चंस. तो पैराजंबल के वीडियो का इंतजार करिए, वो आपको शाम तक वीडियो मिल जाएगा. इस वीडियो को अगर पूरा देखा है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट सेक्शन में जो मैंने सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए. और अगर इस वीडियो से कुछ मदद मिली है, आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है और आगे मुझे इस तरीके की वीडियो बनाने चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय, अपना फीडबैक जरूर दीजिए. अगर आप कुछ ऐसा और फीडबैक देना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या कुछ भी अपना फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप aman.sscmentor@gmail.com पर दे जाकर मुझे अपने मेल कर सकते हैं. aman.sscmentor@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं. मैं, अगर आपकी बात जेन्युइन हुई और अगर आपका क्वेरी कुछ जेन्युइन हुआ, तो मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा aman.sscmentor@gmail.com पर. और इसके अलावा आपको कमेंट सेक्शन में मैंने आपके वेबसाइट का, अपने वेबसाइट का लिंक पिन कर दिया है. वहां सर आप जाकर फ्री में असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं. फ्री असाइनमेंट्स मैं आपको देता हूं डेली, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, 100% फ्री हैं वो आपके. ठीक है, तो इस वीडियो के लिए आशा करता हूं आपको जितनी बात बताई मैंने समझ में आया होगा. आगे की वीडियो में मैंने जैसा कि कहा, हम कोशिश करेंगे कि CDS का एक क्वेश्चन पेपर या एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं आपको डिस्कस कर पाऊँ, कोई क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस कर पाऊँ, जिससे आपको लगे कि थोड़ा और डिफिकल्ट है. ये क्वेश्चन आपका CGL 2017 का था. अगला वीडियो जो आ रहा है, उस वीडियो में मैं पैराजंबल डिस्कस करने वाला हूँ, और पैराजंबल जो है वो भी आपके CGL 2017 के ही पूछे गए हैं, सेम एग्जाम के. आपका 17th फरवरी का ये पेपर है. तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए. आपका दिन बहुत शुभ हो. और अगर आपने अभी तक मुझे Unacademy पे फॉलो नहीं किया है, तो Unacademy पे फॉलो कर लीजिए. वहाँ पर फ्री में भी मैंने 2000 से ज़्यादा वीडियोस बना रखे हैं. और अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप Unacademy Plus को सब्सक्राइब कर लीजिए. उसके लिए आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है अमन त्रिवेदी, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. एंड जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं. SSC ट्यूब की पूरी टीम है जिस बैच में मैं रीजनिंग ले रहा हूँ. सो आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए. एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. हैव अ वेरी गुड डे. बाय बाय. टेक केयर. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच.